टेक्नोलॉजी का घर पैनोरोमा, एक से बढ़कर एक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे मजेदार चीजें हैं भाई, यहाँ के मिरर खुश करके भेजेंगे यहाँ से, आपके चेहरे पे ना भी स्माइल हो ना भाई, ये देखे भाई कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ मैडम, ये पिक्चर हो मैडम। एक एक करके भाई आपको सारी चीजें दिखाएंगे। और सबसे भयानक, दिल को दहला देने वाली चीज भाई, कि जब युद्ध में कोई भी सैनिक मारा जाता था तो किस तरह से जो गिद्ध है उसको, इट्स अमेजिंग रियली। जब भी आप कुरुक्षेत्र आए तो भाई पैनोरमा मेरे सामने देख रहे हो, यह है बिना वायर के पियानो, ऊपर की तरफ भागता हुआ आएगा, वाह जबरदस्त। गुड, शाबाश। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मास्टर जी यूट्यूब चैनल। और भाई आज जो है हरियाणा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है भाई कुरुक्षेत्र पैनोरमा में लेकर आए हैं। यहाँ पर जो है भाई बच्चों का विजिट करा देते हैं कुरुक्षेत्र की पावन धर, जहाँ पर आपको पता ही है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, और वहाँ पर आज बच्चों को जाने का भाई सौभाग्य प्राप्त हुआ। पैनोरमा के ठीक बाहर भाई, उसके सामने जो है आप ये जो स्तंभ देख रहे हो, ये है जंग रोधक लोहा स्तंभ। कहीं भी भाई इस पे जंग लगने का कोई भी नामो निशान नहीं है। पैनोरमा की जो टिकट है भाई, उसके सामने ही सारा कुछ वर्णन किया गया है। यहाँ का जो प्रति व्यक्ति टिकट है भाई वो है 40 रुपये, और यदि आप स्कूल की तरफ से आ रहे हो तो भाई आपको 5 रुपये पर कैंडिडेट पर स्टूडेंट आपको देना होगा। यहाँ पर वेलकम डेस्क, जैसे आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो भाई आपको जो है पहले यहाँ पर कंसेशन फीस का जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद जो है आप यदि स्कूल से आ रहे हो तो आपकी जो पर कैंडिडेट फीस होती है वो 5 रुपये लगेगी। पैनोरमा में आप एंट्री कर सकते हो, वो सुबह के 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के कर सकते हो, उसके बाद जो है एंट्री बंद हो जाती है। ये आप विंडो देख रहे हो, यहाँ से जो है भाई आप टिकट ले सकते हो, और टिकट लेके आप अंदर एंट्री कीजिए। और इस पूरे पैनोरमा का, पूरे महाभारत युग का, और जो टेक्नोलॉजी थी, जो प्राचीन टाइम की जो भी संस्कृति थी, उसका भाई आप उसको महसूस कर सकते हो, उसका आप पूरा आनंद ले सकते हो यहाँ पर आकर। सबसे पहले जो है भाई आप ये एक कलाकृति आपके सामने, कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्यारी बनी हुई है भाई, रसशाला। एक से एक कलाकृतियाँ, एक से एक चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लोहे को गलाने के लिए जो है भाई इस तरह का पहले पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, और उसके बाद जो है आप देख सकते हो लोहा निर्माण का कार्य किस तरह से होता था। आप जितनी भी ये सारी चीज़ें देखोगे, ये है मज़ेदार विज्ञान एवं दृष्टि भ्रम, ज़बरदस्त चीज़ें, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी। एक एक करके भाई आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। और जो भाई आप ये जो टेम्पल की वो देख रहे हो, ये है बृहदेश्वर मंदिर। भाई यहाँ पर भारतीय तकनीकी विरासत देखने के बाद जो है आप जैसे आके जाते हो तो पैनोरमा ऑन महाभारत, महाभारत की जो है भाई आपको वो दिखाते हैं अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही जबरदस्त है भाई आगे की जो आपको वीडियो दिखेगी। आ जाओ बेटा जल्दी चलो, शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। और ये है भाई पुराने टाइम के यंत्र जो है भाई, वाद्य यंत्र बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स जो थे पहले कैसे यूज होते थे। तो भाई महाभारत युग में एंट्री करने जा रहे हैं। लो दोस्तों, अब एंट्री हो गई है महाभारत युग में, कितना सुंदर और ज़बरदस्त। ऊपर जब आप देखते हो तो भाई यहाँ पर अंधेरा भी जो है ना पूरा बनाया हुआ है, पूरा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और आप जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हो तो जो भी आप आगे सामने पिक्चर देख रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी वर्णन है भाई साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है भाई आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है महाभारत हुई थी, तो आज रियली में वही जो इन्वायरमेंट, वही जो कंडीशन रही होगी भाई, वो आप यहाँ पर पैनोरमा में आकर जो है वो फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। कितना भयानक और दिल को दहला देने वाला भाई दृश्य है यहाँ पर, कि पहले जो युद्ध होता था वो किस तरह से भाई लड़ा जाता था, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर फील कर सकते हो आकर। और ऊपर जो म्यूज़िक, जो साउंड चल रही है ना, जो युद्ध में एक्चुअल में होता था, वाओ इट्स अमेजिंग रियली। जब भी आप कुरुक्षेत्र आए तो भाई पैनोरमा में आकर इस महाभारत युग में प्रवेश जरूर करें, और उसको रियलाइज जरूर करें, उसको महसूस आप यहाँ पर आके कर सकते हो कि पहले भाई कितने भयानक युद्ध होते थे। जो भी पिक्चर आपके सामने है तो उसका वर्णन भी यहाँ पर साथ में किया गया है। जैसे आप देख सकते हो भाई
ये राक्षस बड़ा सा आपको जो दिख रहा है इस टाइम द्रोण पर अध्याय घटोत्कच को मारा जा रहा है महाभारत युद्ध में, पूरा एक एक चीज का वर्णन। और सबसे भयानक दिल को दहला देने वाली चीज भाई कि जब युद्ध में कोई भी सैनिक मारा जाता था तो किस तरह से जो गिद्ध है उसके मांस को खाते थे भाई, कोई भी ले जाने वाला उठाने वाला नहीं होता था और उसके मांस को जो है गिद्ध खाते हुए, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। ये आप सामने देख सकते हो भाई कितना भयानक। जब भी आप कुरुक्षेत्र में आए तो पैनोरमा में एंट्री जैसे आप करते हो तो महाभारत युग में जरूर प्रवेश करें, जरूर एंट्री करें। इतना मजा, इतना जबरदस्त मजा तो नहीं कह सकता भाई कि, बट आपको दिल दहला देने वाली बड़ी ही मार्मिक स्थिति कंडीशन आपको जो है उस टाइम की जरूर दिखाई देगी। आप महसूस करते हो उस टाइम की वो कंडीशन। ने अभिमन्यु का चक्कर के बारे में जरूर सुना होगा, तो पैनोरामा में एंट्री करके आप ये अपनी आंखों से देख भी सकते हो भाई किस तरह से सैनिकों ने जो है वो चक्रव्यूह बनाया था। और उसका सारा वर्णन भी जो है ना भाई आपके सामने जो ये स्क्रीन लगी हुई है इस पे आप देख सकते हो। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रेस कर गया और वह योद्धाओं के एक दल द्वारा मारा गया। लो जी भाई पैनोरामा का महाभारत युग तो देख लिया, आप उसको देखने के बाद जो है भाई नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट चीज़ देखते हैं पैनोरामा में क्या है। आप देख सकते हो स्कूलों के कितने छोटे छोटे से बच्चे भी जो है भाई यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर जो है ना भाई बच्चे बहुत आते हैं स्कूलों से लेकर आते हैं बच्चों को अपनी संस्कृति दिखाने के लिए, ताकि वो भी अपने प्राचीन काल प्राचीन संस्कृति के साथ जो है वो भी से कुछ चीज़ें सीख सकें। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार चीज़ें हैं भाई, यहाँ के मिरर खुश करके भेजेंगे यहाँ से, आपके चेहरे पे ना भी स्माइल हो ना भाई। ये देखे भाई मैं कहाँ गया, ये रहा दिख रहे सर, देखो देखो इसमें देखो, स्वयं को गायब करें, देखते हैं भाई गायब तो हुआ नहीं। इस मिरर के बीच में खड़े होके जो है आप गायब होते हुए नजर आओगे। बोने विशाल काए, लो भाई यहाँ पर तो वो फीलिंग आ रही जो शादियों में नहीं होती थी पहले, वीडियो रील में देखते थे दूल्हे की जो फोटो में पिक्चर आती थी वही फीलिंग आ रही भाई। भाई सच में हलवाई की दुकान वाला काम हो गया, क्या क्या खाएं और क्या क्या आपको दिखाएं। इसे चला दो, घूम जाओ घूम जाओ। रोकी मत, वो गिर जाएगी। मैडम ठीक ठाक ले जाने करा भाई। अब देखिए उठो, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हाय हाय। देख 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 कर रहा। हेलो 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 कौन कर रहा? भाई इतनी सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको एक बार तो यहाँ पर विजिट करना ही पड़ेगा, आप खुद आकर यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लो जी भाई विशाल का ये सब्जी आप देख सकते हो, लौकी 3 किलोग्राम की है भाई, और जिसकी जो ऊंचाई है वो 4.5 फुट की, कमाल है भाई। जिन किसानों ने इसकी पैदावार की उनकी फोटो उनकी पिक्चर्स भी लगी हुई है इस म्यूजियम में, इस पैनोरमा में। यह भाई प्लेट में सिर, और सबसे जबरदस्त चीज भाई आपके सामने फ्रूट्स, जो शंकु होता है ना वो ऊंचाई की ओर चलता है, देखो भाई आप ऊंचाई की तरफ भागता हुआ आपको नजर आ रहा है जबकि यहाँ पर नीचाई है, या इधर साइड नहीं आएगा ऊपर की तरफ भागता हुआ आएगा। ग्रहों की गति, भाई ये आप मेरे सामने देख रहे हो, यह है बिना वायर के पियानो, जैसे आप इसमें ऐसे हाथ घुमाओगे ना कितनी जबरदस्त चीज है भाई, इसके बीच में से आप हाथ घुमाओगे तो पियानो की साउंड आएगी आपको।
क्या है यहाँ पर? कुआ सर, कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन है। कुआ मैडम ये नहीं है, पिक्चर हो मैडम। लो जी भाई, अब आपको मैं अपना धैर्य परीक्षण भी करके दिखा देता हूँ कि कितना पेशेंस है मेरे में। ये जो वायर है मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा। इस वायर को जो है आपको दूसरी साइड में लेकर जाना पड़ता है बिना टच किए। मैडम उसमें सारा रिकॉर्ड आ रहा है आप कितनी बार मिस्टेक्स कर रहे हो, पर मैडम तो मिस्टेक्स मानती नहीं। उनका तो कहाँ से पानी आ रहा है, किधर से आ रहा है भाई, पता नहीं कुछ भी। धवनी को देखें, धवनी ऐसे चलती है सर, इसमें भी लहरें होती हैं, तरंगें होती हैं, वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हमारे सामने है अंतहीन सुरंग जिसका कोई अंत ही नहीं है, जितने अंदर देखते जाओगे उतने ही आप इसमें गुम होते चले जाओगे। हवा में तैरता गोलक, अच्छी बात है। मोबाइल के लिए जो है ना चार्जिंग पॉइंट भी लगे हुए हैं यहाँ पर, सिटिंग व्यवस्था यहाँ की, फायर के लिए जो है भाई यहाँ पर अग्निशमन यंत्र भी लगे हुए हैं। और पैनोरमा में जो है भाई हमें लगभग जो है 1 से 1.25 घंटा लगा यहाँ पर, सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देखी। कैसा लगा गुड़िया? बहुत अच्छा लगा। कैसे लगा और क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? अच्छी चीजें थी, ऐसी महाभारत का युद्ध यहाँ पे दिखा रहे थे और साफ सफाई भी। गुड, और कुछ? बहुत साफ सफाई थी सर, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ध्यान में रख के सब ट्रीट किया जा रहा है। तो भाई ये था एक पैनोरमा का छोटा सा विजिट, और अब जाएंगे भाई सीधा गीता जयंती पर जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 15 मिनट की है भाई, आप वॉक करके भी इजीली वहाँ पर जा सकते हो। जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।